अरे के बात है बसंती, रोज रोज नहाके तो तेरा रंग चोखा हो गया है। ले और ना। ले के बात है, हैं? तेरे चेहरे की कैसे धूल सी उड़ी हुई है। अरे हम तो इन घर वालों से दुखी हैं। क्यों, के हो गया, के बात हो गई रे। घर में जावे बाद में, काम पहले। एक वा महारानी आके बैठ गई। महारानी? पेपर उसके हैं, छोड़ के मैं आऊंगा। हम कभी अपने पेपरों में भी गए हैं टाइम पे। कौन सी महारानी? अरे विनोद की साली है। साली? साली, अबे तेरी तो मौज आ गई है। यू काम तेरे तक ना होवे ना, मैंने बता दे मैं करूंगा। यह बात तो तू ठीक कह रहा है, पिताजी से बात करिए जाकर। मैं दिख जाऊं बस, और कुछ ना है बस। इन्हें मैं दिखना चाहिए, बस इसे लगा दो कॉम पर। रोटी मत दो, पानी मत दो, बस इसे हर वक्त सॉरी कॉम मेरी भी करवा मैं। रे रे कैसे मंत्र से पढ़ता जावे? अरे की मंत्र पढ़ रहा हूँ, मेरे पिताजी है ना, या तो पूरे दिन घेर में पड़े रहेंगे, और घर आ गए तो मेरे ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाए, यू कर ले वो कर ले। और वो विनोद है कभी कुछ करे, वो ऊपर तो अपनी सारी ससुराल हमारे घर में लाके घेर दी। मेरी छाती पे पहले ही कम काम थे के, मुझे लगा ये सारा घर मेरे ऊपर ही चलता दिखे। रे कुछ कहवे भी है, कुछ हो भी गया? अरे वो सूदने की बावड़ी, महारानी बन के बैठी है घर में, जीवन तबाह कर रखा मेरा। आज फिर के कह दिया उस महारानी ने? आज मैं उसे पेपर दुकान ले गया था, मान लिया मैं 2-3 घंटे कहीं चला गया तो 5 मिनट बाट ना देख सके थी, चली आई पैदल घर। बस मुझे देखती तो लिपट गए घर वाले। चल यार छोड़ भी, और 10-15 दिन की बात है, झेल ले। अरे झेल के ले, कल तक तो रोटी खाने पे टोक के थी, आज पानी पीने पे भी सलाह दे रही थी, पता ना कहां थे हकीम की बच्ची आई है। यार खाने पीने पे ध्यान आया, वो भगत जी हलवाई की कलाकंद है ना, वो ऐसी की ऐसी सजी धजी रखी हुई है, लगता है जैसे महाराज इंतजार कर रही हो, चल ना। अरे मैं यार वो फजलू, चल छोड़ फजलू को आके देखूं। कलची को आज कलाकंद ऐसी कुछ ना कुछ खिलाता रहेगा तू मुझे।